Hello friends, today in this video we are going to discuss properties of Fourier transforms. So according to first property, if Fourier transformation of Ft is equal to Fs, then prove that Fourier transformation of f of lambda t is equal to 1 upon lambda f of s by lambda. ठीक है, क्या कहता है ये प्रॉपर्टी कि अगर हमें एक फंक्शन एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पता है, एफ एस है, तो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी, उसका आंसर कैसा आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो एफ एस होगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, वहां पे हमने एस को एस बाय लैम्डा से रिप्लेस करना है और ये जो फंक्शन आएगा उसको 1 बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये तो हुआ यूज कैसे करना है इस प्रॉपर्टी का ना क्वेश्चन में, वो हम बाद में देखेंगे. पहले हम करते हैं इस प्रॉपर्टी का प्रूफ. ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, पहले ये प्रूफ डिस्कस करते हैं फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है. सो यहाँ हमें गिवन है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, एंड ऑल्सो वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला, इंटेग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज टू पर आयोटा एस टी एफ टी डी टी. हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है एफ एस है, और हमें प्रूफ करना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा एफ ऑफ एस बाई लैम्डा. ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे, सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी बाई डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे इसको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पर आयोटा एस टी, हमें किसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, एफ ऑफ लैम्डा टी का, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, एफ ऑफ लैम्डा टी डी टी. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये लैम्डा टी को हम यू पुट कर देते हैं. ठीक है, टोटल इंटीग्रल को हम यू की फॉर्म में चेंज कर लेंगे. सो लैम्डा डी टी कितना होगा हमारे पास, डी यू, डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली कितना आ जाएगा, ये लैम्डा यहाँ अपॉन में जाएगा, डी यू अपॉन लैम्डा. ठीक है, तो ये टोटल इंटीग्रल जो है वो यू की फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो लिमिट्स भी यू की लिखनी है हमें यहाँ पे, यहाँ पे टी की लिमिट्स है. सो एस टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी यू अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, एंड एस टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू ऑल्सो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, है ना, तो लिमिट्स यहाँ पे सेम रही है हमारे पास. ई रेज टू पर आयोटा एस, ये एज इट इज लिखा, टी टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, यू अपॉन लैम्डा, तो हमने टी की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पुट कर दी, यू अपॉन लैम्डा एफ ऑफ लैम्डा टी को हमने क्या पुट किया है, यू पुट किया है, एंड डी टी, डी टी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, डी यू अपॉन लैम्डा. ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा एक स्केलर है, कॉन्स्टेंट है, तो हमने 1 बाय लैम्डा आउटसाइड निकाला. इंटेग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा एस बाय लैम्डा इंटू यू एफ ऑफ यू डी यू. ठीक है, ऐसे लिखा, तो इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन लैम्डा आउटसाइड, और ये जो आंसर आ रहा है इसको हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एस बाय लैम्डा. कैसे, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है हमारे पास, इंटेग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पर आयोटा एस टी एफ टी डी टी, ये तुम्हें पता है ना, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ एस से डिनोट करते हैं, ये इंटीग्रल को हम एफ एस से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें, टी की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास यू है, यहाँ डी टी डी यू एफ टी एफ यू, और यहाँ क्या है, ई रेज टू पर आयोटा एस टी, और यहाँ क्या है, ई रेज टू पर आयोटा एस बाय लैम्डा, टी की प्लेस पे हमारे पास यू आ रहा है. तो इस इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एस है, एस है यहाँ पे, तो हम यहाँ एफ एस लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस बाय लैम्डा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एस बाय लैम्डा, है ना. तो प्रूव हो गया यहाँ पे कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा एफ ऑफ एस बाय लैम्डा. ठीक है, तो ये हमने इस प्रॉपर्टी में प्रूव करना था. तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या, कि अगर एफ टी एक फंक्शन है हमारे पास, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है एफ एस है, और हम फाइंड करना चाहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी, तो इसका आंसर कैसे लिखना है, हमने वही एफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका यूज करना है एफ एस का. डायरेक्टली हम आंसर निकालेंगे कैसे, एस को हम एस बाय लैम्डा से रिप्लेस करेंगे, है ना, ये रिजल्ट ये कहता है कि एस को एस बाय लैम्डा से रिप्लेस कर दो, और ये जो आंसर आएगा उसको 1 बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा होगा आंसर एफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी का. और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ठीक है, ये स्केल से हमने इसको चेंज किया लैम्डा से. ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. यहाँ पे हमने सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया, यही रिजल्ट हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं, कि इफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ एस एस, देन प्रूव दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा
एफ एस ऑफ एस बाई लैम्डा. सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, इफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ सी एस देन फोरियर कोसाइन, यहाँ से लिखेंगे हम फिर यहाँ फिक्स फिक्स ठीक है. फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा एफ सी ऑफ एस बाय लैम्डा ठीक है. ये प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं सेम सिमिलर वे में. तो देखिए एक प्रॉपर्टी हम प्रूव कर लेते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और कोसाइन के लिए आप फिर खुद कर सकते हो ठीक है. हाँ जी, अब हम साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वही स्केल प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं जो हमने सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया था ठीक है. इफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू दिस एफ एस एस, दिस एस स्टैंड्स फॉर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ एस एस देन प्रूफ दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी वो क्या होगा वन अपॉन लैम्डा एफ एस ऑफ एस बाई लैम्डा ठीक है. सेम वे में हमने ये साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी प्रूफ किया है. गिवन है हमारे पास ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज दिस एफ एस एस एंड ऑल्सो एज वी नो दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी साइन एस टी डी टी. तो ये हमें गिवन है. टू प्रूफ क्या करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा एफ एस ऑफ एस बाई लैम्डा, ये हमें प्रूव करना है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, हमें एफ ऑफ लैम्डा टी का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है. तो इसका फॉर्मूला होता है ये एफ ऑफ लैम्डा टी साइन एस टी डी टी ठीक है. सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी में प्रूव किया, हमने क्या किया था लैम्डा टी को यू पुट किया था है ना. सो हमने लैम्डा टी को यहाँ यू पुट किया तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा डी टी इज इक्वल टू डी यू, देन डी टी क्या होगा ये लैम्डा को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे डी यू अपॉन लैम्डा ठीक है. तो ये इंटीग्रल जो है वो यू के फॉर्म में चेंज हो जाएगा. देन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी इज इक्वल टू, तो यहाँ डी टी है विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे टी की लिमिट्स थी, यहाँ पे यू में चेंज हो जाने वाला है ये इंटीग्रल, तो हम यहाँ पे यू की लिमिट्स रखेंगे है ना. सो एज टी अप्रोचेस टू जीरो यू ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो एंड एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो लिमिट्स हमारे पास वही आ गई सेम एज इट इज. एफ ऑफ लैम्डा टी को हमने क्या पुट किया है यू पुट किया है, साइन एस एज इट इज टी, टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यू अपॉन लैम्डा, यहाँ से हम निकाल लेंगे यू अपॉन लैम्डा. डी टी की वैल्यू क्या है डी यू अपॉन लैम्डा ठीक है. तो यहाँ से स्केलर वन अपॉन लैम्डा हमने आउटसाइड निकाल लिया, देन इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ यू साइन एस अपॉन लैम्डा इंटू यू डी यू, ये हमने एज इट इज रखा है यहाँ पे ठीक है. तो अब इस इंटीग्रल को हम ये लिख सकते हैं, ये वन अपॉन लैम्डा दिस इज इक्वल टू एफ एस ऑफ एस बाई लैम्डा दिस इंटीग्रल. कैसे, जैसे देखो यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी साइन एस टी डी टी है ना, और इसको हम डिनोट कैसे किससे करते हैं एफ एस एस से. तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे इससे ठीक है, यहाँ पे t का काम क्या कर रहा है u कर रहा है ना, dt है तो यहाँ du है, यहाँ साइन st है तो यहाँ पे साइन s बाय लैम्डा u है, और t की प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है u आ रहा है. यहाँ एफ टी है हमारे पास और यहाँ क्या है एफ यू है, टी की प्लेस पे यू है. तो अगर यहाँ साइन एस टी लिख रहे हैं, एस है तो हम इसको एफ एस से डिनोट करते हैं, एस लिखते हैं. अब यहाँ एस की प्लेस पे क्या आ रहा है हमारे पास एस बाय लैम्डा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ एस ऑफ एस बाय लैम्डा. तो ये प्रूव हो गया हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा एफ एस ऑफ एस बाय लैम्डा ठीक है. तो ये क्या है हमारे पास, ये भी स्केल प्रॉपर्टी है, ये है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. सिमिलरली आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो ठीक है. तो यूज़ कैसे करना है इसका क्वेश्चंस में, अगर हमें ये गिवन हुआ कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी हमें दिया हुआ कि ये है, या फिर बोले कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके ये फाइंड करो ठीक है. सो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन का गिवन होगा कि ये है एफ एस एस है, और हमें फाइंड करना है अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी, तो हम डायरेक्ट वही फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का यूज़ करेंगे. जो भी इसका आंसर आएगा ये वहाँ पे एस को हमने एस बाय लैम्डा से रिप्लेस करना है, और ये जो वैल्यू होगी इसको वन बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है ठीक है. तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन डिस्कस, विल डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन इज यूजिंग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म
ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, हमें पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर, हम मान लेते हैं ये एफ टी है, हमें इसके लिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। फिर उसका जो आंसर आएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होगा इस फंक्शन का, उसका यूज करके हमें ये फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इन दोनों में आप रिलेशन बना पा रहे हो, देखो ये हम ऐसे स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे कि अगर हम एफ टी ये चूज कर लेते हैं, ये है हमारे पास ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे ये टी को ये वन बाय रूट टू टी, यानी इसको हमने यहाँ पे वन बाय रूट टू टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर हम ये निकालें ये क्या होगा, क्या होगा ये, यहाँ टी है तो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी बाय रूट टू है, तो यहाँ पे आप टी की प्लेस पे टी बाय रूट टू पुट करो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टू, ये बन जाएगा ना इंटीग्रल, ये है ना, ये इंटीग्रल बन गया। तो देखो यहाँ पे ये है ना एफ टी है ये, तो ये एफ ऑफ लैम्डा टी है, एफ ऑफ लैम्डा टी है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास, अब कोसाइन के लिए करते हैं, अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी हमें पता है कि अगर वो ये है एफ एस, कोसाइन की बात कर रहे हैं ना, अगर ये है, तो अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, ये जो भी आंसर आएगा इसका, इसको वन बाय लैम्डा से यहाँ मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे एस को एस बाय लैम्डा से रिप्लेस करना है ना, ऐसे किया ना हमने रिजल्ट, तो बस यही करना है, हम ये फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे, उसको हम क्या नेम देंगे एफ सी एस, और इसका निकालना होगा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, वन बाय रूट टू होगा, है ना, तो ये फंक्शन बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे वन बाय रूट टू होगी, तो यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू, और जो भी इसका आंसर आ रहा होगा ये एस, एस को हम एस बाय लैम्डा से लास्ट में रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये जो एफ टी दिया हुआ है इसके लिए पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तभी हमारे पास ये आएगा ना एफ सी एस, है ना। तो देखिए, सो हेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर, ये हमें गिवन है, राइट। तो हम फाइंड करते हैं पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी दिस वैल्यू इंटू कॉस एस टी डी टी। ठीक है, अब अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं एफ टी का, इट मीन्स हमें ये इंटीग्रल का आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, ये इंटीग्रल को हमने चूज कर लिया आई आई ऑफ एस, एक्चुअल में ये क्या है, आई ऑफ एस है, फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला डी आई अपॉन डी एस, इस इंटीग्रल का आई का हमने विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तो रही एज इट इज ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वायर, कोस एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एस टी, देन एस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होगा, टी होगा, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू डी टी, क्लियर। उसके बाद डी आई अपॉन डी एस क्या होगा, क्या यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये तो हमने निकाल ही लिया, हमने नेक्स्ट स्टेप में किया टू से डिवाइड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर रखा है इसके साथ, ठीक है, इसको हमने टू से यहाँ मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ आया, ये नेगेटिव साइन हमने टू के साथ रखा, ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वायर साइन एस टी डी टी। ठीक है, इस स्टेप के बाद हमने टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड किया है, ऐसा क्यों किया है, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, सो डी आई ओवर डी एस क्या होगा हमारे पास, वन बाय टू। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट फंक्शन चूज किया, ये सेकंड फंक्शन हमारे पास, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जब आप ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आंसर, ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। देखो आप आइडिया यहां से ले सकते हैं, हमने क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे हम क्या करेंगे, ये माइनस टी स्क्वायर को पुट कर देते हैं यू। ठीक है, तो माइनस क्या किया हमने, माइनस टी स्क्वायर को यू पुट किया, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ टू टी डी टी कितना आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ टू टी डी टी क्या बन जाएगा, डी यू, तो ये क्या आ रहा है, ई रेस्ट पर यू इंटू डी यू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस्ट पर यू होगा, और यू क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ टी स्क्वायर, है ना, तो हमने सिंपल इंटीग्रेशन किया, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज कोस एस टी इंटू एस, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे।
नेक्स्ट स्टेप में डी आई अपॉन डी एस एज इट इज लिखा, ये 1/2। अब जब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन जो होता है वो बाउंडेड फंक्शन है ना, यहाँ पे साइन इज बाउंडेड फंक्शन, और यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे ई रेज टू पर माइनस इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन ई रेज टू पर इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा, है ना। देन माइनस साइन डालोगे, फिर लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे यहाँ पे टी की प्लेस पे 0, साइन 0 होता है। तो फर्स्ट ये जो वैल्यू है ये जब हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट की तो इसका आंसर आ रहा है 0। और ये 1/2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/2, ये एस हमने आउटसाइड निकाला क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो बचा क्या, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर कोज एस टी डी टी। अब ये तो आई है ना, यही तो हमने आई चूज किया था, तो हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे आई, ठीक है, डी आई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस 1/2 एस इंटू, ये इसका वैल्यू पुट कर दिया आई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमने यहाँ से आई का आंसर निकालना, आई होगा क्या हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेट कर दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना फर्स्ट ऑर्डर का, तो हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, यहाँ पे डी आई अपॉन आई इधर शिफ्ट कर लिया, ये माइनस 1/2 एस यहाँ पे ऑलरेडी, डी एस हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, है ना, 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं, लॉग x होता है, तो डी आई अपॉन आई इसका इंटीग्रेशन क्या है, कितना आ जाएगा, लॉग आई इज इक्वल टू ये एस, इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, माइनस एस स्केयर अपॉन 4, है ना, एस स्केयर बाई 2 आएगा ना, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, प्लस सम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन हमने यहाँ से आई का आंसर निकाल लिया, ये इधर जाके इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे एंटी लॉग जब आप चूज करोगे यहाँ आ जाएगा ई रेज टू पर माइनस ऑफ एस स्केयर बाई 4 इंटू ई रेज टू पर सी, ये इधर इसको इधर, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो टेकिंग ई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आई एस कितना आ जाएगा हमारे पास, ई रेज टू पर माइनस एस स्केयर अपॉन 4 इंटू ई रेज टू पर सी, ठीक है, एंटी लॉग चूज करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आई एस का आंसर हमने निकाल लिया, लेकिन आई ऑफ एस तो हमारे पास ये है, हमने स्टार्टिंग में ये चूज किया था आई ऑफ एस, है ना। तो अगर आप ये आई ऑफ एस का प्रॉपर आंसर निकालना चाहते हैं तो हमने यहाँ से ये कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना है, एक्चुअल में हमें यहाँ पे इसका वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये भी आई एस का आंसर है, और इक्वेशन नंबर 2 ये भी आई एस का आंसर है, हम क्या करते हैं यहाँ पे एस को 0 से रिप्लेस करते हैं, आई ऑफ 0 निकालते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 आई ऑफ 0 क्या होगा, आई ऑफ 0 एस को हमने 0 पुट किया यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर, यहाँ पे एस को जब 0 पुट किया कोस 0 1 होता है ना, तो आई ऑफ 0 क्या आया, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर डी टी। तो ये लिखा हुआ है आई ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस। अगर आप यहाँ से आई ऑफ 0 निकालते हो तो क्या होगा, एस को 0 पुट कर दो, ई रेज टू पर 0 1 आ जाएगा यहाँ पे ई रेज टू पर सी, है ना। तो आई ऑफ 0 अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से निकालते हो तो आई ऑफ 0 एक आंसर ये आ रहा है और एक से आंसर ये आ रहा है, लेकिन दोनों है तो आई ऑफ 0 के आंसर तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर हम ये इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, अब इसका आंसर आता है हमारे पास √π/2, क्या आता है इसका आंसर √π/2, और ये रेज टू पर सी के इक्वल है, तो यहाँ से रेज टू पर सी का आंसर आया हमारे पास ये √π/2। तो आई ऑफ एस की प्लेस पे हम यहाँ पे रेज टू पर सी की वैल्यू पुट कर देंगे √π/2। अब ये देखो ये इसको सॉल्व करके ये कैसे आया, ये है हमारे पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टी स्क्वेयर को यू पुट कर दिया, ठीक है, पुट टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू। तो यहाँ से क्या आएगा, 2t डेरिवेटिव करो इसका, 2t डी टी इज इक्वल टू डी यू, देन डी टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, डी यू अपॉन 2t, लेकिन t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √u, ठीक है। तो हमने वो पुट कर दिया यहाँ पे, फिर ये इंटीग्रल u में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर को हमने क्या पुट किया, u पुट किया है, डी टी की वैल्यू क्या आई है, डी यू अपॉन 2√u। तो ये जो हमारे पास है 1/2 हमने आउटसाइड निकाला, यहाँ पे क्या लिखना है हमने, डी यू अपॉन रूट यू, तो यू को यू रेस्ट पर 1/2 को हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना न्यूमिरेटर में, यू रेस्ट पर माइनस 1/2 ये रूट यू को, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन क्या होता है कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस एक्स एक्स रेस्ट पर एन माइनस 1 डी एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं, गैमा एन लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है, यू कर रहा है ना, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे ये सेम है, ई रेस्ट पर माइनस यू है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो यहाँ पे एक्स रेस्ट पर एन माइनस 1 है, यहाँ पे यू रेस्ट पर माइनस 1/2 है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम ये एक्स की पावर देखते हैं, एन माइनस 1 है ना, तो इसमें एक ऐड करके हम यहाँ पे लिखते हैं, ये गैमा ऑफ एन के इक्वल होता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें,
है ना, यहाँ पे x की पावर है n माइनस वन, यहाँ पे x की पावर है माइनस वन बाई टू, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो n कितना होगा, वन बाई टू होगा, है ना। इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, गैमा ऑफ n से, सो वन बाई टू यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा है, इसको लिख दिया गैमा ऑफ n, और n की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना आ रहा है, वन बाई टू, एंड गैमा ऑफ वन बाई टू हमारे पास होता है रूट पाई, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, रूट पाई बाय टू, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास e रेज टू पावर c का आंसर रूट पाई बाय टू, और वो हम अभी यहाँ पे पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आई ऑफ एस में हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, ई रेस्ट पर सी का कांस्टेंट का वैल्यू, लेकिन आई ऑफ एस किसके इक्वल था, आई ऑफ एस तो ये था ना इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वेयर कोज एस टी डी टी, और इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये रूट पाई बाय टू ई रेस्ट पर माइनस एस स्क्वेयर अपॉन फोर। अब ये क्या था हमारे पास, दिस इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वेयर, है ना, यही है ना, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वेयर, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया, है ना। और हमें पता है फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी को अगर हम एफ एस से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, अगर हम इसको एफ सी एस से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, इसका आंसर क्या आ रहा है, एफ सी एस, फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ सी एस, वेयर एफ टी क्या है हमारे पास, ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर। तो अब हम स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे, सो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फॉर फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ लैम्डा टी क्या होगा, वन अपॉन लैम्डा एफ ऑफ एस बाय लैम्डा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लैम्डा को मैंने बताया था हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जो हमें चाहिए, हमें लैम्डा की वैल्यू क्या चूज करनी है, वन बाय रूट टू, है ना, वन बाय रूट टू, तो इसका आंसर क्या होगा, वन अपॉन लैम्डा, लैम्डा अगर वन बाय रूट टू है तो वन बाय लैम्डा क्या होगा, रूट टू एफ ऑफ एस बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू वन बाय रूट टू है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट टू बाय एस, ठीक है। तो एफ सी तो ये हमने निकाल लिया, अगर एफ टी हमारे पास है, एफ टी क्या है, ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर, तो एफ ऑफ वन बाय रूट टू इंटू टी, यानी एफ ऑफ टी बाय रूट टू क्या होगा, ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर बाय टू होगा, विच इज इक्वल टू रूट टू मल्टीप्लाई ये एफ ऑफ रूट टू एस, हम कैसे निकालेंगे, यहां से एफ एस अगर हमारे पास ये है एफ सी एस, है ना, अगर एफ सी एस हमारे पास ये है तो एफ सी ऑफ रूट टू एस क्या होगा, हमने यहाँ पे एस की प्लेस पे रूट टू एस पुट किया, तो यहाँ पे एस की प्लेस पे रूट टू एस पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू एस स्क्वेयर अपॉन फोर, ठीक है। तो ये आ गया फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पर माइनस टी स्क्वेयर अपॉन टू इज इक्वल टू, ये रैशनलाइज करोगे आएगा रूट पाई अपॉन रूट टू ई रेज टू पर माइनस एस स्क्वेयर अपॉन टू, ये कैंसिल आउट करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया। तो ऐसे हमने स्केल प्रॉपर्टी का यूज करना है क्वेश्चन में, क्लियर।